अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए। इमरान खान साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानी से जो वादे किए थे, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी समझते थे कि इमरान खान साहब उनके लिए उनको राइट देंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा परेशान होते हैं पाकिस्तान से बाहर रहते हुए, अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, यूरोप के अंदर, मिडल ईस्ट में, फार ईस्ट में, उनके लिए खुशखबरी आइनी पैकेज बनाने के लिए जा रही है इमरान खान साहब की हुकूमत। और ये पैकेज ये है जिसके तहत ओवरसीज पाकिस्तानी वोट डाल सकेंगे। आइंदा 2023 में जो इंतखाबात होंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी वोट का हक इस्तेमाल कर सकेंगे। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अपने मुल्क में रहते हुए जहां वो आबाद हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, यूके में हैं, यूरोप के किसी मुल्क में हैं, सऊदी अरब में, यूएई में हैं, जापान में हैं, किसी भी मुल्क में ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो पाकिस्तान के लिए उनका दिल धड़कता है, अब वो वोट दे सकेंगे। और ना सिर्फ वोट दे सकेंगे बल्कि वो इंतखाबात में हिस्सा भी ले सकेंगे। अपनी वो नेशनैलिटी अपने पास रखेंगे, उनके पास अमेरिकन नेशनैलिटी है, कैनेडियन है, ब्रिटिश पासपोर्ट है, किसी भी मुल्क का उनके पास पासपोर्ट है, वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान में जो नया सिस्टम आएगा 2023 में जो इंतखाबात होंगे, उसके अंदर उनका एक बड़ा रोल इमरान खान साहब ने तय करने के लिए एक आइनी पैकेज लाने का फैसला किया है। और ये जिम्मेदारी दी है बाबर अवान साहब को, जो कि बहुत मशहूर कानूनदान हैं, इमरान खान साहब के साथ हैं, जरदारी साहब के साथ भी थे, लेकिन वो एक आइनी पैकेज लेकर आ रहे हैं। और उन्हें कहा गया है कि जल्दी से एक ऐसा पैकेज बनाया जिसमें इलेक्शन कमीशन के रोल को, उसके अंदर जो एतराज़ात किए, आपने देखा होगा कि पीटीआई के सीनियर वुजरा ने जो है वो एतराज़ात किए, इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे मांग लिए हैं। ये एक अलग मसला है, उसको भी मैं डिस्कस नहीं करता क्या उसकी आइनी और वो रूह होगी, किस तरह से उसका सिस्टम होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के स्ट्रक्चरिंग के ऊपर भी काम हो रहा है। लेकिन अच्छी और बड़ी खबर यह है कि अब आइनी पैकेज कौमी असम्बली के अंदर जाएगा, वहाँ से अप्रूव होगा और सेनेट से अप्रूव होगा। ओवरसीज पाकिस्तानी को राइट दिया जाएगा कि वो वोट डालें और इंतखाबात में हिस्सा लें। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्लियर, बहुत खुल के ये बात हो रही है, बहुत और हलकों के अंदर भी जो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम हलके हैं जिनके बगैर चीज़ें तब्दील नहीं होती, कि डिजिटल वोटिंग हो, यानी कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है, शफाफियत लाई जाए इलेक्शन के अंदर। कौमी असम्बली आपने देखा भी, सेनेट के इंतखाबात में सबको पता है पैसा चला है, हर आदमी को पता है पैसा चला है और खूब चला है और कैसे कौन कैसे जीत गया है, लेकिन बहरहाल अब चूंकि सिस्टम ही ऐसा है कि जिसके अंदर ये, तो अब बात हो रही है कि डिजिटल वोटिंग का इस्तेमाल कंपलसरी किया जाए 2023 के अंदर, डिजिटल वोटिंग का सिस्टम नाफिज किया जाए, उसके ऊपर काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, और इलेक्शन कमीशन के अंदर रिफॉर्म्स की बात हो रही है। इन सारे चीज़ों के अंदर ये वादे जो कई सालों से इमरान खान साहब करते आ रहे थे, आप जब भी पाकिस्तान से बाहर वो गए शौकत खानम के सिलसिले में, तो वो ओवरसीज पाकिस्तानी से पैसे भी लेते थे और उनको उम्मीद देते थे, और वो आगे से कहते थे कि हमारे हमें ये हक हासिल नहीं है, हमें वोट का हक हासिल नहीं है, हमें पाकिस्तान का दूसरा दर्जे का शहरी समझते हैं, हम पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, हमने पाकिस्तान के लिए इतना पैसा दिया, और हमेशा हर दौर के अंदर खड़े होते। तो वो जो वादे थे इमरान खान साहब ने किए थे ओवरसीज पाकिस्तानी से, वो वादे अब अमली तौर पर पूरे होने के लिए आइनी पैकेज बन रहा है, और ये बड़ी खुशाइन बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। लेकिन अब इसमें एक हर्डल होगा, वो हर्डल मैं आपके आगे बताऊँगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ एक प्रॉब्लम, एक दुम छल्ला है, लेकिन ज़ाहिर बड़ी खुशखबरी है, तो दुम छल्ले का भी कोई ना कोई इलाज हो ही जाएगा। तो एक तो ये हो गया कि वोट डाल सकेंगे, इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे, पाकिस्तान के अंदर जो रिफॉर्म्स चीज़ें हो रही होंगी उसके अंदर जाहिर जब वोट डालेंगे तो सिस्टम के अंदर आ जाएंगे, जो ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए बड़ा मार्का इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर गवर्नर स्टेट बैंक ने किया, रोशन डिजिटल अकाउंट्स, वो तकरीबन 100,000 पाकिस्तानियों ने अकाउंट खोल लिए हैं। मेरी खुद मुलाकात हुई थी चंद रोज पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के इवेंट के अंदर गवर्नर स्टेट बैंक से, और क्या बेहतरीन शख्सियत है, प्रॉब्लम पॉसिबल सॉल्यूशंस, उनका हल डिसाइड करना और एग्जीक्यूशन, वो तीनों चारों फार्मूले के ऊपर खुद कनेक्ट रहते हैं। इसीलिए पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर, उनकी लीडरशिप के अंदर डिसीशंस, जो भी मसला है उसका डिसीशन होता है, पॉसिबल सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं और एग्जीक्यूट कर देते हैं और लंबा टाइम नहीं लेते।
तो ओवरसीज पाकिस्तान इसको सिस्टम में इन्वॉल्व करने वाला जो मरहला था इमरान खान का जो ख्वाब था और ट्रांसपेरेंसी वाला, जिसे पाकिस्तानी यहाँ पे रहने वाले भी और ओवरसीज पाकिस्तानी दोनों जेल हो गए हैं, अपनी फैमिलीज के साथ जेल हो गए, वो डिजिटल अकाउंट, रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए 1 लाख के करीब जो है वो अकाउंट खुल गए, $700 मिलियन उसके अंदर जो है ओवरसीज पाकिस्तानी ने दे दिया और पैसा आ रहा है, वो कनेक्टिविटी जो है वो यानी कि जो ओनरशिप थी वो जबरदस्त अंदाज के अंदर जेल हो गई है। अब वोट भी देंगे, इंतखाबात में हिस्सा भी लेंगे। अब एक चीज़ ये है, वो चीज़ ये है कि आईनी पैकेज के अंदर ये शिख रखी गई है जिसके अंदर कैबिनेट के अंदर मशवरे हो गए हैं और चीज़ें डन हो गई हैं कि शफाफियत आनी चाहिए, इलेक्शन में शफाफियत होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए, उसके बगैर सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। अब उसमें एक मामला ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, सूबाई इंतखाबात में हिस्सा लें, कौमी असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लें, सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लें, बिल्कुल लें, अपने पास पासपोर्ट रखें, कनाडा का रखें, जहाँ के अमेरिकन रखें, ब्रिटिश रखें, यूरोपियन रखें, जहाँ का भी रखें, लेकिन जब वो जीत जाएंगे, जब वो इंतखाब जीत जाएंगे तो उन्हें वो पासपोर्ट छोड़ना पड़ेगा, जीतने की सूरत में पासपोर्ट छोड़ना पड़ेगा, वो नेशनैलिटी छोड़नी पड़ेगी, सिर्फ उनके पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी रहेगी। तो बस ये जिसे मैं कह रहा था ना, दम छुल्ला है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई इसमें क्या हर्ज है, हमारी पाकिस्तानियत के ऊपर कोई शुबा है क्या? तो जब आप हमें वोट डालने का हक दे रहे हैं, जब आप हमें इलेक्शन लड़ने का हक दे रहे हैं, तो जब इलेक्शन लड़ जाए तो हमें पासपोर्ट रहने दीजिए। लेकिन बहरहाल ये तय हुआ है कि पासपोर्ट आपको दूसरी नेशनैलिटी जो है वो पाकिस्तानी के अलावा नहीं रख सकेंगे आपको। अगर कैनेडियन है तो पासपोर्ट वापस देना पड़ेगा, अमेरिकन है पासपोर्ट वापस देना पड़ेगा, ब्रिटिशर है वापस देना पड़ेगा, किसी भी मुल्क के अंदर आपकी नेशनैलिटी है वो आपको वापस करने के बाद पाकिस्तानी ही पासपोर्ट रखना पड़ेगा। बस इसमें थोड़ा सा ये वाला मामला है, अदरवाइज़ ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब जो बात थी ना कि इमरान खान साहब ने ये एतमाद का वोट लेने के बाद गियर चेंज किया है, वो गियर चेंज करने के बाद जो उनके सीक्वेंसिंग है उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी को रखा है कि पहले तो इनको वोट का हक दो, फिर इनको इलेक्शन लड़ाओ, फिर ये डिजिटल रोशन अकाउंट के अंदर कामयाबी हासिल हो रही है, इतनी ज़्यादा पैसे भेज रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभाल रहे हैं, वैसे भी पैसे भेजते हैं, तो पहले ओवरसीज पाकिस्तानी मेरी टीम है, उन टीम को जो आगे मैंने मजबूत करना है। तो ये एक बहुत बड़ा ऐलान है, आप देखेंगे चंद रोज के अंदर ये मंजर आम पे आना शुरू हो जाएगा, आपको नजर आएगा असेंबली के अंदर भी होगा। इसके अंदर अब देखते हैं रुकावटें कौन डालता है, मुस्लिम लीग नून इसमें रुकावटें डालती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें रुकावट डालती है, और कौन सी पार्टी इसके अंदर रुकावट डालती है, लेकिन जो भी रुकावट डालेगी वो क्लियर हो जाएगा कि कौन सी सियासी जमात जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी इसको ये हक देना नहीं चाहती। तो ये दूसरे हवाले से एक तुरप का पत्ता भी है, तुरप का पत्ता भी है, इमरान खान एक ही बॉल से अपने लोगों को ओवरसीज पाकिस्तानी को खुश भी कर रहे हैं और एक्सपोज भी करेंगे कि ये पार्टियां हैं जो आपके लिए ये हक देना नहीं चाहती हैं, आपको वोट का हक दिलवाना नहीं चाहती हैं, आपको असेंबलियों में लाना नहीं चाहती हैं और आपको शफाफियत के साथ जो डिजिटल इलेक्शन का सिस्टम है वो करने नहीं देना चाहती। तो ये एक बड़ी खबर है कि एक तो राइट मिल रहा है, दूसरा ये कि अब वो नहीं रहेगा कि आप लड़ाइयाँ झगड़े और वही करते रहे अपोजिशन के साथ। इमरान खान परफॉर्मेंस वाले गियर के अंदर आ गए हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, होने वाली हैं, जो नज़र आएंगी कि लोगों को डिलीवर किया जाए। तो सबसे पहले डिलीवरी फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान के लिए हर लम्हा ज़्यादा फिक्रमंद रहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि जो पाकिस्तान में पाकिस्तानीज हैं वो पाकिस्तान के लिए कम फिक्रमंद होते हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं अमेरिका में, कैनेडा में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, फार ईस्ट में रहने वाले, वो पाकिस्तान के लिए एक एक धड़कन के साथ फिक्रमंद रहते हैं। तो उनकी फिक्र जो है वो अब अमली पैराए में आ जाएगी, जब वो वोट देंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा और पाकिस्तान के करीब आ जाएंगे, पाकिस्तान के साथ और करीब जुड़ेंगे। तो बड़ी खुशखबरी थी, मैंने कहा आपको सुनाऊँ। और भी कुछ चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी डेवलपमेंट्स हैं, वो भी आपको सुनाऊँगा। पाकिस्तान के लिए जो नई नई चीज़ें हो रही हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, वो भी आपके सामने आएंगी। लेकिन आज का मेरा ब्लॉग जो है, वीलॉग जो है, वो यहाँ ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।